हेलो एवरीवन, आई होप यू वेल गुड। आज हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल डिज़ाइन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, उसके रीजंस वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइन किन को सिलेक्ट करनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं, जो ड्राइंग आर्ट डिज़ाइन उनके लिए पैशन है, जो उनको थकाता नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है और वो न्यू आइडियाज़ क्रिएटिव और कुछ न्यू क्रिएशन लेके आ सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये डिपार्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और जिनको नहीं करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स सिर्फ आर्ट को देख के, स्टूडेंट्स को देख के, आर्ट की यूनिवर्सिटीज को देख के ये सिलेक्ट करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो इसमें फंस जाते हैं और वो कुछ ऐसा न्यू नहीं कर पाते, तो उनके पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर आपको अगर आर्ट अच्छी लगती है और आप चाहते हैं इसमें अपना करियर, अगर आप फिर भी आर्ट में आना चाहते हैं, तो आपको अपना टाइम देना होगा, डिज़ाइंस को देखना होगा, उन पर डीप फोकस करना होगा। 1 मंथ तक आपको ड्राइंग्स, कलर्स और उनकी डिज़ाइंस पे आप खो के, जैसे हम कहते हैं ना कि हम खो जाते हैं किसी चीज़ में, इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं और अगर आप 1 मंथ तक ट्राई करें और आप 1 मंथ तक ट्राई करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव कुछ न्यू कुछ आइडिया कुछ डिज़ाइंस कर सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप ये फील्ड सेलेक्ट कर लें। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।